है? गुरु नानक देव को कौन सा पांडव की लिस्ट में डालेंगे? हैं? क्यों? जिन्होंने सदैव देवताओं का साथ दिया है, कभी भी और धर्म वालों का साथ नहीं दिया है। वो है तो सबसे लास्ट वाला पांडव, सबसे छोटा, कलयुग के अंत में, जिसको राज्य मिलता है। क्योंकि छोटे भाई को अंत में राज्य मिलता है या पहले या मध्य में? अंत में मिलता है। लेकिन वो ऐसा है, काम के आधार पर जो नाम पड़ता है कि सच्चाई को मानने से ना नहीं कह सकता, इसलिए उसका नाम नानक। जो सच्चाई को मानने से ना ना करे वो कौन है? नानक। है एक मानने की बात है, ऊपर से आने वाली जो आत्मा है, जो प्रवेश करती है, वो आधारभूत में प्रवेश करती है या उसको जन्म देने वाले पिता बीज में प्रवेश करती है? आधार में प्रवेश करती है। तो जो आधार है वो तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसका भी पूर्वज कौन है? उसका बाप। जो उसका भी बाप है वो बीज रूप आत्मा है, वो कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन है कौन से धर्म का बीज? है 8वां धर्म नंबर का, जो परमात्मा से प्राप्ति करने वाला श्रेष्ठ बीज है, वो आत्मा है। अपने धर्म का, अपने ग्रुप का मुखिया है। तो वो बीज रूप आत्माएं, बीज रूप आत्माओं की दुनिया तैयार हुई है या नहीं तैयार हुई? है? तैयार हो गई। तो तैयार हुई है तो वो आत्मा भी है। हाँ, आधार मूर्त नहीं है, लेकिन इसका बीज मूर्त आत्मा है। और लक्ष्मण रेखा का क्या कैसे कहते हैं? कि राम जब माया मृग को मारने के लिए चल पड़े तो माया मृग को मारने से पहले, जाने से पहले, उन्होंने सीता को तो अग्नि में प्रवेश करा दिया। तुम पावक में करो निवास, तुम अग्नि में निवास करो। पावक माने अग्नि है। तब लगी करो निशाचरना सा, तो वो तो चल पड़े, रह गए लक्ष्मण सीता की रक्षा करने के लिए। तो लक्ष्मण को दिमाग में ये बात आ गई, जंगल है कांटों का, इस कांटों के जंगल में कब कौन विपत्ति लेकर के आ जाए कुछ पता नहीं।
तो उनको शंका पैदा हो गई और उन्होंने जो कुटिया थी सीता की उसके चारों ओर एक रेखा खींच दी, उसका नाम दिया लक्ष्मण रेखा। लक्ष्य को प्राप्त करने वाली रेखा, वो लक्ष्य को प्राप्त करने वाली रेखा है श्रीमत। तो श्रीमत रूपी लेखा को जो सीताएं क्रॉस नहीं करेंगी, उनको रावण कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। परंतु जो बोला है तुम सब सीताएं हो और उन सीताओं में से अगर मोस्टली आत्माएं ऐसी हो जो श्रीमत रूपी लीका को क्रॉस कर दें, क्या श्रीमत है बड़ी से बड़ी है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक के पंजे में जाना है, एक की मुट्ठी में रहना है, एक की छत्र छाया में रहना है, एक की बात मानना है और कोई की बात नहीं मानना है। इस श्रीमत रूपी लीका को जो पुरुषार्थी आत्मा जीवन भर अपनाती है, उनको रावण हरण नहीं कर सकता। और जो इस लीका को तोड़ देती है उनको रावण ले जाता है। तो वो रामायण में दिखाया गया है, सीता को रावण ले गया। कब ले गया? लीका का उल्लंघन किया तब ले गया या ऐसे ही ले गया? लीका का उल्लंघन किया। और भगवान 90% है कच्चे ब्राह्मण, 90% है कच्चे ब्राह्मण, हाँ, और 10% है पक्के ब्राह्मण। ठीक है, तो 10% कहाँ? जो 10% कहाँ है? यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो 10% के अंदर आएंगे और बहुत से ऐसे हैं जो उस 10% से भी निकल करके काशी नगरी में पहुंच गए। नहीं पता? पता है फिर क्या को पूछते हो? और इसका मतलब जो रिसेंट मुरलियां हैं वो आप सुनते ही नहीं। सन 2004-05 से बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात बाप दादा लाए हैं। उस दुनिया में तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, हैं? हाँ, नए संगठन की बात समझ लो। तो साबित हो जाता है कि जो 10% हैं सूर्यवंशी, एक बाप को फॉलो करने वाले हैं, बल उनमें राजयोग सीखने वाली, राजयोग सीख करके पास होने वाले राजाएं भी हैं,
राज्याधिकारी भी हैं, उस सूर्यवंशी राज्य में आने वाले साहूकार भी हैं, और प्रजावर्ग में भी है, क्योंकि राजधानी स्थापन सूर्यवंशियों की हो रही है ना, कि और वंश वालों की भी हो रही है? सूर्यवंशियों की राजधानी स्थापन हो रही है, तो सूर्यवंशियों में सब तरह के होंगे, यह सिर्फ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होंगे, चांडाल और दास दासी बनने वाले नहीं होंगे, वो भी होंगे। ऐसे भी होंगे जो तन मन धन संबंधियों को अर्पण करते हैं फिर वापस ले लेते हैं, वो क्या बनते हैं? चांडाल। सब तरह के हैं, लेकिन हैं सूर्यवंशी। और चार बार देह अभिमान को त्यागते हैं, चार बार देह अभिमान को त्यागते हैं, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य है को कुछ आत्मा ऐसी हैं जो सत्युग में भी जाने वाली हैं, वहाँ भी जन्म लेंगी, वहाँ की शूटिंग भी करती है देवतावर्ण की। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो सतयुग में नहीं जाती हैं, सतयुग के देवतावर्ण की शूटिंग नहीं करती हैं, क्षत्रिय वर्ण में आ जाती हैं। क्षत्रिय वर्ण में 12 जन्म ले लेती हैं या कम जन्म लेती हैं, और सेमी देवताएं बन जाते हैं, फिर आगे के जन्मों में जन्म लेते रहते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो ना सतयुग में आती है ना त्रेता में आती है, ना देवता वर्ण में है ना क्षत्रिय वर्ण में है, लेकिन वैश्य वर्ण में आ जाते हैं, तो वैश्य वर्ण की आत्माएं हैं, या वैश्य वर्ण में ऊंच वर्ण ऊंच पद पाते हैं, सतयुग त्रेता में ऊंच पद नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कलयुग में ही आते हैं या कलयुग में ही ऊंच पद पाते हैं, यानी शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थ करते करते न सतयुगी देवता वर्ण की शूटिंग में उनकी आंख खुलती है, न क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग में उनकी आंख खुलती है, त्रेतायुगी शूटिंग में, और न वैश्य वर्ण की शूटिंग में उनकी आंख खुलती है। कब खुलती है? जब तमो प्रधान ज्ञान हो जाता है, तमो प्रधान पुरुषार्थ हो जाता है, तमो प्रधान विस्तार हो जाता है, तो बहुतों को देख करके उनकी आंख खुलती है, फिर उनको ब्राह्मण बुद्धि कहें, क्षत्रिय बुद्धि कहें, वैश्य बुद्धि कहें या शूद्र बुद्धि कहें, शूद्र बुद्धि हो गए। तो चारों ही वर्णों की शूटिंग यहाँ होती है, 76 तक टोटली। कौन से वर्ण की शूटिंग हुई है? देवता वर्ण की शूटिंग हुई 76। उसकी प्रूफ क्या है? षष्ठी चक्र के चित्र में देखें, सतयुगी शूटिंग में मुखिया कौन दिखाए गए हैं चित्र में? हैं? अरे कोई मुखिया दिखाए गए कि नहीं? हैं? अरे सतयुगी शूटिंग में षष्ठी चक्र के चित्र में हाँ,
षष्ठी चक्र के चित्र में मुखिया आत्माएं कौन है, प्रतिनिधि कौन दिखाए गए हैं? राधा कृष्ण कौन दिखाए गए हैं? राधा कृष्ण दिखाए गए हैं। तो राधा कृष्ण वाली जो आत्माएं हैं वो संक्षेत्र तक प्रतिनिधि के रूप में हर ब्राह्मण की बुद्धि में रही, या कोई दूसरा था? है कोई मुखिया के रूप में कोई दूसरा था? है ठीक से बोलते ही नहीं, कोई नहीं था। कौन था? वो ही मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती, जिनको राधा कृष्ण माना जाता है, वो ही थे मुखिया। फिर ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग बदलती है, नया सीन आता है। क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, त्रेता युग की शूटिंग शुरू होती है। कौन सी आत्माएं मुखिया के रूप में आती हैं? राम सीता वाली आत्माएं मुखिया के रूप में, एडवांस पार्टी के मुखिया के रूप में आ जाती हैं। फिर द्वापर युग की शूटिंग होती है। द्वापर युग की शूटिंग में एडवांस पार्टी में विदेशी कब से घुसते हैं? ढेर के ढेर हैं। विदेशियों का प्रवेश ढेर का ढेर कब से होता है? अरे अरे दक्षिण भारत की आत्माएं ढेर की ढेर आना कब से शुरू होती है? हाँ 86, 87, 89 जब त्रेता युग और द्वापर की संधि होती है तो दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माएं एडवांस पार्टी की ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर की ढेर आना शुरू हो जाती है। पहले कौन सा स्टेट निकलता है? आंध्रा नहीं, कर्नाटक। सबसे पहले कर्नाटक निकलता है, फिर कर्नाटक से आंध्रा निकलता है, फिर बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। हैं? तो द्वापर युग की शूटिंग होते होते पूरी जितने भी मुख्य धर्म हैं वो सब धर्मों की शूटिंग हो जाती है, चाहे इस्लाम धर्म की आत्माएं हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हो, मुस्लिम धर्म की हो या बौद्ध धर्म की हो। और फिर मान्यता है कि द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध होता है, तो महाभारत युद्ध में विनाश हो जाता है। वास्तव में जो मुख्य धर्म है जब उनका विनाश होता है तो उन मुख्य धर्मों की ढेर शाखाएं निकल पड़ती हैं, तो सभी धर्मों का विघटन हो गया, वो कलयुग की शूटिंग शुरू हो जाती है। कलयुग की शूटिंग में जो भी आत्माएं निकलती हैं वो जल्दी ही शूद्र वर्ण में कन्वर्ट हो जाती है। झाड़ के अंदर जो काला है ये कलयुग की शूटिंग है।
लास्ट में क्या दिखाया? ये काले हुए पड़े हैं ना सारे धर्म। काले? हाँ काले हुए। हाँ जी हाँ जी, काली माँ दिखाई गई है, वो हर धर्म हर मठ पंथ, पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, और लास्ट में तमो हो जाता है। तो अभी जब चारों योगों की शूटिंग पूरी हो चुकी है तो हर धर्म की आत्मा तामसी स्टेज का पार्ट बजाए रही है। सब अनुभव कर रहे हैं एडवांस में भी कि जो नए नए निकलते हैं वो तो उमंग उत्साह में रहते हैं, और जो जितने पुराने होते जाते हैं उतने तामसी स्टेज बनती जाती है, फिर शंका पैदा करते हैं कि बेसिक में तो हमारी अवस्था अच्छी थी, एडवांस में भी शुरुआत में अच्छी थी, और अभी भगवान आया हुआ, भगवान काम कर रहा है, तो हमारी अवस्था खराब क्यों हो रही है? ये नहीं देखेंगे कि भगवान ने ये भी बोला है कि अगर ज्ञान में आने के बाद उल्टा कर्म करेंगे श्रीमत के बरखिलाफ तो 100 गुना बोझ चढ़ेगा, और अज्ञान काल में वो ही उल्टा कर्म करते थे तो 1 गुना पाप चढ़ता था। तो अवस्था नीचे गिरनी चाहिए या ऊंची उठनी चाहिए? अपने अपने कर्मों को हम अपने अंदर देख सकते हैं, दूसरों का तो नहीं देख सकते। तो अपने अंदर जब झांकते हैं तो पता चलता है गलतियां तो हो रही हैं, न चाहते हुए भी ढेर के ढेर गलतियां श्रीमत के बरखिलाफ हो रही है। हाँ, कोई कोई ऐसे अच्छे पुरुषार्थी भी हैं कि जितना माया का प्रकोप होता है उतना उनका पुरुषार्थ और ही तीव्र हो जाता है, वो तो गिनी चुनी थोड़ी सी आत्माएं हैं, जिनके लिए गीता में भी लिखा है देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी देखने में भी नहीं आते हैं। तो शूटिंग तो लगातार जारी है, जब तक ब्रॉड ड्रामा पूरा नहीं होता है, शुरू नहीं होता है। बाबा तो जानता है, बाबा आत्माओं की सतो प्रधान स्टेज को देखता है, सतो प्रधान स्टेज के पार्ट को देखता है या तामसी रूप देखता है? बाबा क्या देखता है? बच्चों का सतो प्रधान पार्ट देखता है, बाप ने जो रचा है, बाप तो जानता है ना कि ये तमो प्रधानता किसने रची है, इस तमो प्रधानता जो बच्चों में आ गई है उसका रचयिता कौन कौन है, कौन कौन है रावण संप्रदाय, बाप इन आंखों का लोन लेकर के आए हैं, देख रहे हैं ये राक्षस संप्रदाय बैठा है और ये दैवी संप्रदाय बैठा है। तो वो राक्षस संप्रदायों के संग के रंग में आकर के बच्चे तामसी बन गए हैं। तो तामसी स्टेज नहीं देखता बच्चों की, कौन सी स्टेज देखता? सात्विक स्टेज देखता है। तो सात्विक स्टेज को देख करके अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो कौन से बच्चे ऊंची स्टेज में आएंगे? जो आगे सो अंत में आएंगे। बाप की दृष्टि तो सच्चाई को देखती है, सच्चे कौन कौन है, भले तमो प्रधान बन रहे हैं, दुनिया ही तमो प्रधान बन रही है, बन चुकी है, लेकिन दिल की सच्चाई कितनों में है,
दिल की सच्चाई कोई चीज होती है या नहीं होती है? दिल की सच्चाई ही सबसे बड़ी चीज है। सच्चा बाप सचखंड स्थापन करते हैं, किनके द्वारा? सच्चे बच्चों के द्वारा। और चेहरा लटका हुआ रहेगा, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, खुद भी डिस्टर्ब होंगे, खुद भी तमो प्रधान बने हुए हैं, दूसरों को भी तामसी स्टेज में लावेंगे, खुद भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। ये निशानियां नहीं समझ में आती? खुद भी अंदर अंदर घुटते रहेंगे, दूसरों को भी घुटन पैदा करेंगे। सतो प्रधान की स्टेज इससे उल्टी है, जो गीता में भी बताई है। यस्मान्नो द्विजते लोको, जिससे लोग उद्वेग को प्राप्त न हो, वो सतो प्रधान है। उद्वेग माने परेशानी को प्राप्त न हो, जिसके संग में आने से, जिससे बात करने से, जिसको देखने से लोगों की उद्विग्नता, उद्वेग, परेशानी क्या हो, खत्म होने लगे, उसे कहेंगे सतो प्रधान। यस्मान नोद्विजते लोको, लोकान नोद्विजते च यह। जो लोगों से दुखी न हो और लोग जिससे दुखी न हो, जो लोगों से परेशान न हो और लोग भी जिससे परेशान न हो, जिसकी वाचा से, जिसके कर्मों से, जिसके वाइब्रेशन से, जिसकी दृष्टि से न लोग परेशान हो और न परेशानी का वो कारण बने, उसको कहेंगे सतो प्रधान। इसका उल्टा कर दो तो तमो प्रधानता की निशानी है। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, सुख दो सुख लो, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, क्या करना है, है दाता बनना है। काहे का दाता बनना है? दूसरों को सुख देना है। और है ऐसे कहते थे कि साकार में निराकार को याद करना है। हाँ जी, ब्रह्मा के साम है शिव आते थे। हाँ, कैसे याद किया जाता? वो तो एक तरीका थोड़े ही था। ब्रह्मा के टाइम जब शिव आते थे तो मुकर्रर में आते थे या टेम्परेरी रथ में आते थे, तो याद भी जो है वो टेम्परेरी कहेंगे या मुकर्रर याद मिल गई, वो टेम्परेरी याद थी भक्ति मार्ग वाली। जैसे भक्ति मार्ग में कोई कहते हैं कि भगवान निराकार है तो कोई निराकार को याद करते हैं, कोई कहते हैं नहीं भगवान राम है तो राम को याद करते हैं, कोई कहते हैं नहीं भगवान कृष्ण है तो कृष्ण को याद करते हैं, कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते। तो बेसिक में भी एक बात नहीं कहते थे, ऐसे नहीं कि सभी ब्राह्मण ब्रह्मा में निराकार को याद करते थे, और करते भी थे तो वहां चित्र क्यों रखा हुआ था, किसका? ब्रह्मा का। जिस ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ था उस चित्र में निराकार बिंदु को याद करते थे या चैतन्य में याद करते थे? चित्र में याद करते थे। तो फायदा होगा नुकसान होगा? है नुकसान होगा, भक्ति मार्ग की याद हो गई, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे,
ज्ञान मार्ग उसे कहेंगे कि जब प्रैक्टिकल में बाप सामने हो, हमारी बुद्धि में पक्का बैठ जाए कि इस दुनिया में बाप मौजूद है और हमने उसे देखा है, हम उस बाप से प्रैक्टिकल में मिले हैं, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं कि उस बाप के द्वारा स्वर्ग स्थापन होना है। वो एक ही है जिसके द्वारा स्वर्ग स्थापन होता है, वो एक ही है जो हमारा बाप भी है प्रैक्टिकल में, वर्षा देने वाला टीचर भी है, सुप्रीम टीचर जो हमको ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला है, जिस सुप्रीम टीचर को दुनिया में कोई नहीं पढ़ाई पढ़ा सकता, वो हमारा सुप्रीम गुरु भी है, हमको गति सदगति देने वाला है, वो एक ही है। ब्रह्मा को बाप टीचर सदगुरु नहीं कह सकते। और अंत में लक्ष्मी का भी आत्मा ही राम का पार्टनर है। त्रेता के अंत में नहीं, त्रेता आदि में भक्ति मार्ग में राम की कौन सी विशेषता की विशेष यादगार है? है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो विशेषता है कि जीवन में एक के साथ उसकी मर्यादा बंधी हुई है और किसी के साथ नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का जहां प्रश्न पैदा होता है, इस समय वर्तमान संगम युग की बात है ना, वास्तव में तो कहां की बात है, संगम युग की बात है। तो संगम युग में जो राम वाली आत्मा है वो मर्यादा ही इनका पार्ट बजाती है या मर्यादा के अंदर बंधी हुई है? है बंधी हुई है। अनेकों के संग के रंग में आती है, अनेकों के साथ संबंध जुड़ता है प्रैक्टिकल जीवन में या एक के साथ संबंध जुड़ता है? प्रश्न किसने पूछा? अरे हाथ उठाओ, हाँ जवाब दो। एक के साथ संबंध प्रैक्टिकल जीवन में जुड़ता है राम की वाली आत्मा का या अनेकों के साथ संबंध जुड़ता है? अनेकों के साथ संबंध जुड़ता है। क्यों? क्योंकि बाप का विरुद्ध है कि बाप इस समय विदेशी बनकर के आया हुआ है, तो विदेशी अनेकों के साथ संबंध जोड़ते हैं या एक के साथ जोड़ते हैं? है अनेकों के साथ जोड़ते हैं, उनकी तो मर्यादा ही नहीं होती है। क्रिश्चियन लोग जिंदगी में कितनी कितनी शादियां कर लेते हैं, कुछ शादियां तो उनकी समाज के सामने और सरकार के सामने प्रत्यक्ष होती है और कुछ ऐसी शादियां होती हैं ढेर की ढेर जो ना समाज के लोग जानते हैं और ना सरकार के लोग जानते हैं। तो विदेशियों को मर्यादा में बंधा हुआ कहेंगे या भारतवासियों का जो प्रतिनिधि राम है, राम वाली आत्मा, उसको मर्यादा में बंधा हुआ कहेंगे? है राम को कहेंगे, लेकिन राम वाली आत्मा यहां मर्यादा में बंधी हुई नहीं है क्योंकि उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश है। सुप्रीम सोल का कहना है कि बाप अब अगर स्वदेशी बनकर के आवे तो तुम बच्चों से मिलन मेला नहीं मना सकता, इसलिए राम वाली आत्मा को मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता युग का
जो गायन है वो नहीं कहेंगे, वो सीता वाली आत्मा पार्ट बजा रही है इस समय। सीता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा का ये विरोध है, पार्वती के रूप में जन्म जन्म लगे रगर हमारी, वरों शंभु न तु रहो कुंवारी। वो सतयुग त्रेता के जीवन की ही बात नहीं है, द्वापर और कलयुग में भी जितने स्त्री जन्म लेती है उन स्त्री जन्मों में वो प्रदूषित नहीं होती है, एक के अलावा और दूसरों का संबंध भ्रष्ट इंद्रियों के रूप में नहीं जुड़ता। इतना पक्का स्नेह और पक्का पवित्रता को पालन करने वाली आत्मा है। तो जन्म जन्मांतर मर्यादा को पालन करने वाली आत्मा कौन हुई? सीता वाली आत्मा। वो पवित्रता के आधार पर अव्वल नंबर है और राम वाली आत्मा योग के आधार पर अव्वल नंबर वन है, इसलिए दोनों का समान पार्ट हो जाता है। सीता वाली आत्मा त्रेता के फर्स्ट जन्म में जाकर पुरुष बनती है और भक्ति मार्ग में राम का टाइटल गाया हुआ है। और ओम शांति।